अमन कराम हमारी गुफ्तु फतक पर आकर ख़त्म हुई थी और खलीफा ने जो जवाब दिया था वो बाज़ रवायतों के मुताबिक यही था कि ला न रसू पैगम्बर ने फरमाया कि हम मीरास में कुछ नहीं छोड़ कर जाते माँ तरक ना हो सदका जो कुछ हम छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है लेकिन बाज दवायात के अंदर और भी जुमले मिलते हैं और कुछ उलमा अहल सुनत इस रिवायत के जरिए एतराज भी करते हैं वो कहते हैं कि आपकी किताबों के अंदर खुद ये हदीस रसूल मौजूद है कि नबी ने फरमाया है कि जो कुछ हम छोड़ कर जाते हैं वो ना माल और दौलत होता है ना जाहो शहरत होता है ना हुकूमत और इकतदार होता है बल्कि हम जो छोड़ कर जाते हैं वो इल्म और किताब और नबूत होती है इसलिए खुद आपके अपने किताबों के अंदर आपके आपकी ने इस बात का एतराफ़ किया है और उस हदीस को जिक्र किया है कि नबी अक्रम माल छोड़ कर नहीं जाते इसका मतलब यह हुआ कि फदक अगर मीरा से रसूल के अंदर था तो फिर वह हजरत जहरा को नहीं मिलना चाहिए चूंकि पैगंबर ने खुद यह फरमाया है कि हम माल छोड़कर नहीं जाते हैं और इसके लिए एक हदीस में आपकी खबर में कोट करूँ और ये बायतों के मुताबिक खुद खलीफा ने उस वक्त जवाब के तौर पर भी ये बात पेश की थी कहते हैं कि मैंने रसुलकर से सुना था कि नह नुमाशरबिया लान रसू हम गुरो अंबिया वो हैं कि जो वारिस नहीं बनाते जहबन वाफिजतन ना सोने का किसी को वारिस बनाते हैं ना चांदी का वाला दार वाला और ना ही किसी घर का हम किसी को वारिस बनाते हैं और ना ही किसी बाग का व इन नमा नवर रसुल किताबा वल वाल व नबूत और सिर्फ और सिर्फ हम वारिस बनाते हैं तो किताब हमत इल्म और नबुवत का इसका मतलब यह हुआ कि नबी अक्रम यह खुद इस हदीस के अंदर बयान फरमा रहे हैं कि हम इन चीज़ों को छोड़कर जाते हैं और ये हदीस अगर झूठी हदीस है तो फिर आपकी किताबों के अंदर इस तरह की हदीसें क्यों मौजूद हैं पहली बात यह है कि बहुत सारे मुख्तलिफ पर मस तरीके से इंसान गुफ्तू करता है रसुल अक्रम ने अगर ये हदीस बयान फरमाई भी थी तो देखना पड़ता है कि किस मौके महल की मुनासब बयान फरमाई थी जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग सवाल करेंगे कि क्या आप मीरास में मालो दौलत छोड़कर जाएंगे तो रसुल अक्रम जाहिर सी बातें फरमाएंगे कि मैं जो हिदायत लेकर आया हूँ मैं वो हिदायत छोड़कर जाऊंगा मैं जो दीन लेकर आया हूँ वो दीन छोड़कर जाऊंगा मैं इल्म छोड़ कर जाऊंगा मैं किताब छोड़कर जाऊंगा कि मालो दौलत से क्या लेना देना तो जाहिर सी बात है कि हमें देखना पड़ता है कि किस माहौल और किस मौके के ऊपर पैगम्बर ने कौन सा जुमला शाह फरमाया मिसाल के तौर पर अगर पैगम्बर का इस जुमले को हम ले लेते हैं जबकि जो जुमला खुद कुरान करी में भी मौजूद है पैगम्बर ने फरमाया कि इन नमा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरह का बशर हूं अगर इंसान सिर्फ इस जुमले को उठा ले तो इसका मतलब यह हुआ कि, कि फिर पैगम्बर से नावुबिल्ला से एक आम बशर से गलतियां हो सकती है तो पैगम्बर से भी नाविल्ला हो सकती है लेकिन हमें पूरी बात को समझना होगा और मौके महल को देखना होगा कि पैगम्बर ने जुमला किस वरमाया इसी तरीके से इस हदीस का भी मामला है ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम पैगम्बर से हट कर किसी आलिम की बात करें कि फला आलिम फला आयत फला मुशाहिद का इंतकाल हो गया उसने अपने मीरास में क्या छोड़ा तो जब किसी मर्जे की किसी मुशाहिद की किसी आलिम की बात की जाएगी तो उसकी मीरास से मुरादी होगा कि उसने कितनी किताबें लिखी हैं उसने कितनी चीजें अपने फॉलोअर्स के हवाले की हैं कितना उसने इल्म का जखीरा छोड़कर वो इस दुनिया से रख्सत हुआ है कितने उसने दर्श दिए थे दर्ज खारिज दिए थे कितने शागिदों को उसने छोड़ा है जहासी बात है किस हवाले से बात की जाएगी लेकिन अगर हम मीराज को उस मानो में लें कि बहरहाल वो आलिम भी कुछ ना कुछ कमाया करता होगा उसके पास कुछ ना कुछ माल मौजूद होगा बहरहाल किसी घर में रहता होगा कोई सवारी उसके पास मौजूद होगी तो वो किसे मिलेगा तो कभी भी कोई अक्ल रखने वाला शख्स वो ये नहीं कहेगा कि वो भी लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा और वो भी सारे शागि में बांट दिया जाएगा बल्कि हर अक्लमंद इंसान यही कहेगा कि वो जो उनकी जती चीजें थी वो उनकी जो खूनी रिश्तेदार है और उनकी जो करीबी अजीज़ हैं उन्हीं को ही दिया जाएगा जो जो उनके वारिस जिंदा हैं उन तक वो माल मिलेगा इसी तरीके से यह हदीस भी है पैगंबर अकरम जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में हिदायत देने के लिए आए थे कुरान लेकर आए थे लोगों तक सही दीन पहुंचाना चाहते थे तो जो पैगम्बर छोड़ कर गए हैं वो उनका अपना हकीकी दीन और उनका इल्म और उनकी हमत भरी बातें हैं लेकिन अगर उनकी जारी जिंदगी को देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि पैगंबर किसी घर में रहते थे पैगंबर के पास मुमकिन है कोई सवारियां हो मुमकिन है कुछ लिबास हो तो वो किसे मिलेगा तो वो उम्मत में तो तकसीम नहीं किया जाएगा वो अवाम को तो नहीं दे दिया जाएगा वो औलाद ही में तकसीम किया जाएगा इसीलिए जब पुरान करीम ने विरासत के मसले को बयान किया है और हता अंबिया की विरासत के मसले को बयान किया है तो बिल्कुल सरहद के साथ बयान फरमाया वह सुमान उदा उदा सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बने हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के माल के तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो जी माल होता है उसका वारिस उनका खूनी रिश्तेदार उनका उनका बेटा उनकी औलाद ही बनती है और अगर अभी भी यह मसला किसी के लिए वाजे ना हुआ हो तो मेरा सवाल बहुत सादा सा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर इस दुनिया से गए हैं तो उनका वारिस कौन बना हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया से गई तो उनका वारिस कौन बना इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए हज़रत तो इस दुनिया से गए तो उनका वारिस कौन बना हज़रत इब्राहिम के माल का वारिस कौन बना क्या हज़रत इसमाइल और हजरत इसहा के अलावा हज़रत इब्राहिम के माल का कोई वारिस बना ये इसी तरीके से हजरत मूसा की हम बात लें हजरत ईसा की हम बात करें तो जो जो इस दुनिया से गया है हजरत ईसा तो तो बहरहाल इस दुनिया में इस आलम में मौजूद है सातवें बाजरत के मुताबिक चौथे आसमान पर जरत ईसा सलाम जिंदा है लेकिन हम उन अफराद की बात कर रहे हैं कि जो अम्बिया थे और इस दुनिया से रखसत हुए और कुरान ने उनका जिक्र भी किया है तो उनका वारिस कौन बना क्या उम्मत वारिस बनी क्या उनकी कौम वारिस बनी और फिर एक और अजीब बात यह है कि खुद नबी अकरम वारिस बने हैं अपने वालद और अपने वालदा के माल के जब उनके वाल हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उस माल के वारिस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हस बने हज़रत आमना सलाम का <उल्हिल्हका> जब इंतकाल हुआ तो उनके वारिस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम बने और कोई और वारिस बना और यह रिवायत भी अहकाम सुल्तानिया में अल्लामा मरदविय ने लिखी है जो एहसन्तम द्दीन है उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को लिखा है तो जिससे जाहिर यह होता है कि जाहिर सी बात है कि हर जती मिल्कियत रखने वाला शख्स उसके जब मौत का वक्त आएगा तो उसके वारिस उसकी औलाद बनेगी